प्यारे भक्तों, भोले भंडारी ओघड़दानी भगवान शिव की आराधना का महापर्व को शिवरात्रि कहते हैं। यह पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। प्यारे भक्तों, यह पर्व इस वर्ष महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि 1 मार्च 3:16 तथा चतुर्दशी समाप्ति 2 मार्च 1 बजे रात्रि तक है। भक्तों, भगवान शंकर की पूजा आराधना जो सच्चे मन से करते हैं उनका मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, मन में इच्छा होती है आखिर इस पर्व को क्यों मनाई जाती है, इसका शुरुआत कैसे किया गया। प्यारे मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों और देवताओं ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किए और जब मंथन किए तो अनेक हीरे जवाहरात आदि अनेक सामान निकले, साथ में अमृत के स्थान पर विष निकले जो आदि धरती पर रख देते तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता। इस पर भगवान शंकर विष पान कर कंठ में रोक लिए, जिसके कारण भगवान का कंठ नीला हो गया, इसलिए इन्हें नीलकंठ कहते हैं। इस दिन शंकर भगवान के कंठ जलन को ठीक होने के लिए चांदनी रात को सभी देवताओं ने शिवरात्रि किए थे। दूसरी कथाएं पुराणों में इस प्रकार है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों वापस में झगड़ गए। अब क्या होगा, जब झगड़ा हो गया तो ब्रह्मा कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ, विष्णु कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ। तभी ऋषि मुनियों ने शंकर भगवान से विनती किए दोनों को समझाने के लिए और कहे प्रभु ये दोनों को समझाने की कृपा करें, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। प्यारे भक्तों, तभी भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु के समक्ष भोले शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग का आदि न अंत था। भगवान शंकर दोनों से कहे इस ज्योतिर्लिंग का जो और छोर का पता लगा देगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। इतने बात सुनकर भगवान विष्णु सुनकर सुकर रूप धारण कर पाताल की ओर चल दिए और ब्रह्मा जी के हंस रूप धारण कर आकाश मार्ग की ओर चल दिए। बहुत देर के बाद ढूंढते ढांढते जब और छोर का पता नहीं लगा तो हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। तभी ओम का ध्वनि सुनाई दिया। बाईं ओर अंकार ज्योतिर्लिंग के दाईं ओर ओंकार बीच में मकार स्फटिक शिवलिंग दिखाई दिए। पहली बार शिवलिंग प्रकट देख भगवान ब्रह्मा और विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और ब्रह्मा और विष्णु भगवान दोनों ने इनका पूजा की। प्यारे भक्तों, इस दिन से शिवरात्रि पूजा किए जाने लगे। तीसरी सबसे रोचक बात यह है कि भगवान भोले शंकर माता पार्वती का इसी दिन शुभ विवाह हुआ था, इसीलिए इसे हम महादेव विवाह भी कहते हैं। तो भक्तों, इस दिन भारतवर्ष के सभी शिवालयों को सजाया जाता है और ढोल नगाड़े के साथ महादेव जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जो कन्या भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करते हैं उनका हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। प्यारे भक्तों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भक्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।